शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित आवास विकास कॉलोनी में किराए के मकान में ओएमआई के नाम से प्राइवेट कंपनी चलाने वाले राजस्थान निवासी बजरंग सिंह की 16 अगस्त की रात में सोते समय सर पर डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी, जिससे उनके परिजनों ने उन्हें कंपनी में सहायक मैनेजर के पद पर कार्यरत संजीत कुमार पुत्र सोनू यादव निवासी रहीम बिघा थाना चाकंद जनपद गया बिहार पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 20 अगस्त को ग्राम गौरी थाना दरौली जनपद सीवान बिहार से पुलिस अभिरक्षा में ले लिया और सोमवार को गोरखपुर पहुंचकर उसे जेल भेज दिया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। चेक महोदय के निर्देशानुसार जो निशंक हत्या 16 और 17 तारीख की रात्रि में ओडीएल मर्चेंडाइजिंग लिमिटेड प्राइवेट कंपनी जो मार्केटिंग का काम करती थी उसके मैनेजर की उसी के घर पे हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया देखा गया कि डंडे से मार के हत्या किया गया था और नामजद तहरीर प्राप्त हुई थी। वो मैनेजर बजरंग सिंह जिला झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला था और यहाँ पे कई वर्षों से इस मार्केटिंग कंपनी में कार्यरत था। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। शाहपुर पुलिस टीम यहाँ से बिहार गई और सर्विलांस एवं अपने मुखबिर के सूचना के माध्यम से इसका सफल अनावरण करते हुए बिहार में सीवान जिले से संजीत कुमार जो कि नामजद मुलजिम था इसमें और इनके यहाँ सीनियर मैनेजर के रूप में उन्हीं के अधीन कार्यरत था, उसके द्वारा ही ये हत्या किए गए और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उसका यह कहना है कि वो बराबर बजरंग सिंह द्वारा जो कि ब्रांच मैनेजर थे उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था कार्य को लेके, मार्केटिंग को लेके, और इसी बात को लेके कई दिनों से खिंचातनी आपस में चली आ रही थी और इसने कई दिन पूर्व ही इस बात का निर्णय ले लिया था कि मुझे ब्रांच मैनेजर बजरंग सिंह की हत्या करनी है और मौका पाते ही 16 और 17 तारीख की रात तकरीबन जो ऐसा इसका बताना है कि 4 से 5 बजे के बीच इसने एक डंडे से, एक मजबूत डंडे से उनके सर पे कई बार वार करके उन्हें मौत। बिल्कुल ऐसा ही कहना है कि हमें बराबर उसी डंडे से मारते पीटते थे और मैंने भी सोच रखा था कि जब मौका मिलेगा तो मेरे पास कोई अन्य हथियार उपलब्ध नहीं है तो मैं भी उनको उसी डंडे से ही मारूंगा। इनके साथ वहाँ पे मतलब और लोग भी कार्य करते थे और फिलहाल इस लड़के के अलावा ये इसने हत्या करी थी, इसके अलावा 4 लोग वहाँ पे और थे, उनसे भी पूछताछ किया गया लेकिन जो भी चीज़ें निकल के आई उसमें पूरी भूमिका इसी लड़के की थी।